हेलो दोस्तों, आज मैं आपके साथ आपके घर के छोटे बच्चों के लिए गर्मियों के मौसम में बनने वाली हेल्दी रेसिपी शेयर करने जा रही हूं। और अगर आप ये रेसिपी बनाकर अपने बच्चों को खिलाते हैं तो बच्चों को ये टेस्ट में भी पसंद आएगी और बच्चों को अच्छी ठंडक मिलेगी। और अगर आप ये रेसिपी बच्चों को लंच टाइम में खिलाते हैं तो बच्चों का पेट भी अच्छे से भर जाएगा और बच्चों को नींद भी बहुत ही अच्छी आएगी। और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है, तो फिर आइए इस सुपर हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी को बनाना फटाफट से शुरू करते हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए गैस पर मैंने स्टील की कढ़ाई रख दी है और ये हल्की गर्म हो चुकी है। अब इसमें हम एक चम्मच घी को गर्म कर लेंगे। तो ये देखिए, घी गर्म हो चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे सबसे पहले एक पिंच राई के दाने, और इसे लगातार चलाते हुए हम भून लेंगे 4 से 5 सेकेंड के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो जब राई हल्की सी चटकने लगेगी तब इसमें हम मिलाएंगे 2 छोटे चम्मच सूजी। तो आप बारीक वाली या मोटी वाली किसी भी तरह की सूजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसे मिक्स कर लेंगे और मिक्स करते हुए इसे भून लेंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर। तो सूजी को मैंने हल्का सा भून लिया है, बहुत ही अच्छी खुशबू आना भी शुरू हो गई है इसमें से। तो इसी समय पर हम इसमें मिला देंगे 1 ग्लास के लगभग पानी। और पानी मिलाने के बाद अब इसे हम मिक्स कर लेंगे बिल्कुल लम्स फ्री होने तक, और इसे 1 मिनट के लिए पका लेंगे। तो लगभग 1 मिनट हो चुका है सूजी को पकाते हुए। ये देखिए, सूजी हल्की हल्की फूलना भी शुरू हो गई है। तो इसी समय पर हम इसमें मिलाएंगे 1 पिंच के लगभग नमक। अगर आप ये रेसिपी 10 महीने से छोटे बच्चों के लिए बना रहे हैं तो इसमें आप नमक का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। अब इसमें हम मिलाएंगे 1 चम्मच के लगभग ड्राई फ्रूट पाउडर, और अब इसे हम पका लेंगे लगभग 2 मिनट के लिए। तो सूजी को मैंने 2 मिनट के लिए और पका लिया है, और ये हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो बस अब हम गैस बंद कर देंगे और इसे हल्का सा ठंडा कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं लगभग 5 मिनट हो चुके हैं, सूजी अच्छे से ठंडी हो गई है और थोड़ी सी ये गाढ़ी भी हो गई है। तो इसी समय पर हम इसमें मिलाएंगे 2 छोटे चम्मच दही। तो दही आपको यहाँ पर एकदम फ्रेश यूज़ करना है, दही बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। तो ये 2 चम्मच दही मैंने कढ़ाई में डाल दिया है और इसे अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। तो दही और सूजी को मैंने मिला लिया है और ये हमारी हेल्दी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो इस फूड की कंसिस्टेंसी को आप बच्चे की एज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। अगर बच्चा ज़्यादा छोटा है तो आप इसे लिक्विड रखें, बड़े बच्चे को थोड़ा आप इसे गाढ़ा भी खिला सकते हैं। तो अब हम इसे सर्व कर लेंगे। और ये लीजिए डियर पेरेंट्स, बनकर तैयार है गर्मियों के मौसम में बनने वाली हेल्दी रेसिपी। और इस रेसिपी को आप 6 महीने से ऊपर के बच्चों को खिला सकते हैं, साथ ही आप इसे लंच में बनाकर अपने बच्चों को दे सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा ये हेल्दी रेसिपी है, एक बार आप इसे अपने घर के छोटे बच्चों के लिए ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये आपके बच्चों को काफ़ी पसंद आएगी। तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसी के साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और साथ ही बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिए, जिससे कि मेरे आने वाले वीडियोस के लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंच सके। और साथ ही आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में एक और नई हेल्दी एंड टेस्टी बेबी फूड रेसिपी के साथ में। तब तक के लिए बाय।